सब्सक्राइब करें गोसाई गो समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098-94194। मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नवगछिया के बनारसी लाल सराफ महाविद्यालय में महाविद्यालय कर्मियों ने दिया धरना। बनारसी लाल सराफ महाविद्यालय में आदेश पाल दीप नारायण मंडल के साथ मारपीट करने के विरोध में और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने सभी कर्मी सहित धरना पर बैठ गए और धरने में शामिल लोगों ने अपने आप को महाविद्यालय के सभी कार्यों से अलग रखा। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समझाने बुझाने के बाद कर्मियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी कर्मी धरना में शामिल थे। इधर पीड़ित पक्ष के तरफ से लिखित आवेदन मिलने के बाद नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि नौगछिया के बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय में शुक्रवार की शाम दबंगों और असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर शिक्षक व कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में शनिवार की सुबह से ही महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव, सचिव रामानंद सिंह और शिक्षक प्रतिनिधि राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में सभी शिक्षक और कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया था, जिससे महाविद्यालय में शनिवार को पठन पाठन और कार्यालय कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। मामले की सूचना महाविद्यालय के अध्यक्ष और सचिव तथा कुलपति को भी दी गई। महाविद्यालय में हड़ताल की सूचना मिलते ही महाविद्यालय के अध्यक्ष सह प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के कुलपति डॉक्टर उग्र मोहन झा, सचिव सह विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने महाविद्यालय पहुंचकर पूरी स्थिति की जानकारी ली और सभी शिक्षकों और कर्मियों से वार्ता कर आश्वस्त किया कि हर हाल में महाविद्यालय का विकास कार्य जारी रहेगा। वहीं मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल आदेशपाल दीप नारायण मंडल का पूरा इलाज महाविद्यालय के खर्चे पर अब निजी क्लिनिक में कराया जाएगा। फिर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर उग्र मोहन झा, सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा और प्रधानाचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन नौगछिया पुलिस अधीक्षक निधि रानी से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया तथा एक ज्ञापन भी दिया, जहां नौगछिया एसपी निधि रानी द्वारा पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद सचिव और अध्यक्ष ने महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों से कहा कि अगले दिन से महाविद्यालय का सारा कामकाज सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। साथ ही यह बताया गया कि आज ही इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी और आयुक्त से भी मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा इस निंदनीय घटना की जानकारी डीआईजी मनु महाराज और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को भी दे दी गई है। वहीं बताते चलें कि इस घटना की जानकारी एसपी को दिए जाने के बाद नौगछिया थाने की पुलिस घटना के लगभग 20 घंटे बाद मामले की तहकीकात करने घटनास्थल पर पहुंची। वहीं इस मामले में शिक्षकों और कर्मियों ने अंचलाधिकारी की भूमिका पर भी आशंका जताया है। शिक्षक प्रतिनिधि ने उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराए जाने की बात कही है। हमारे जो सम्मानित शिक्षक गण, शिक्षकेतर कर्मी गण और छात्र गण है, आज जानकारी मिली कि ये लोग कलम बंद हड़ताल पे हैं। और ये जानकारी मिलते ही, क्योंकि कल यहाँ पे एक घटना हुई है, कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो यहाँ जो घेराबंदी का काम चल रहा था उसे ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया है और ज़बरदस्ती करने के क्रम में लाठी डंडे और हर वो हथियार लेके, जैसा कि उसका वीडियो क्लिप है हम लोग के पास, वो यहाँ पे एक तरह से समझिए कि तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे कर्मियों के साथ मारपीट किया। दीप नारायण जी यहाँ के कर्मी हैं, उनका हाथ टूट गया है। हम लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय पटना में थे, जानकारी मिलते रातों रात ये पहुँचे हैं और हम लोग ये बताने आए हैं कि हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। सर, आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? जैसे कि आज हड़ताल था आप लोगों का, अनिश्चितकालीन हड़ताल बताए, इसके बाद जो है प्रशासन अधिकारी को इसकी घटना के बारे में जानकारी दिए हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? सारे लोगों को सूचना दिया चुकी है। अभी खुद
हम लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय, हम और हमारे प्रिंसिपल के साथ जो भी यहाँ के एक्टिव लोग हैं, अभी एसपी से समय लिया हुआ है, एसपी महोदया से बात हुआ है, डीजीपी साहब को मैसेज गया है, हमारे एसडीओ जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं शासी निकाय के, उनको मैसेज हुआ है, जो डीएसपी साहब हैं उनको मैसेज हुआ है, डीएम साहब से भी समय 3:30 बजे का लिया हुआ है। हम लोग सारे लोग जितने प्रशासन के हैं उनको खबर कर चुके हैं उनको। हम लोग आज सिर्फ यही कहने आए हैं कि यहाँ पठन पाठन बाधित ना हो, हम लोग जो नियम पूर्वक लड़ाई लड़नी होगी, जमीन सब लोग जानते हैं जमीन महाविद्यालय की है, और जो प्रथा रहा है दान दे के लोग कॉलेज और स्कूल खोलते हैं, और ये एक नई परंपरा जो गुंडा और असामाजिक तत्व ने कायम किया है कि हम लोग कॉलेज का जमीन पे रास्ता खोलेंगे, इसका हम लोग निंदा भी करते हैं, और हम आग्रह करते हैं उनसे कि आगे से वो बाज आए, नहीं तो फिर हम लोग अपना वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया में ऑटो चालकों ने नवगछिया पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। ऑटो लेकर दर्जनों की संख्या में अनुमंडल पहुंचे ऑटो चालक एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। नवगछिया के ऑटो चालकों ने नवगछिया पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा किए जाने वाले अवैध वसूली के विरोध में शनिवार को दर्जनों की संख्या में ऑटो चालक ऑटो लेकर ही नवगछिया अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचे। अवैध वसूली को लेकर ऑटो चालकों ने नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार को आवेदन सौंपा। ऑटो चालकों के विरोध का नेतृत्व चंद्रशेखर यादव ने किया। ऑटो चालकों ने एसडीओ को दिए आवेदन में बताया कि हम लोग कई वर्ष से नवगछिया रेलवे स्टेशन से बाजार होकर सिंधिया मकनपुर के रास्ते सैदपुर लतरा पचगछिया डिमहा लत्तीपाकर धरारा बड़ी मकनपुर मालपुर गोसाई गांव के यात्रियों को सेवा देते रहे हैं, लेकिन इधर कई महीने से नवगछिया थाने के पास पुलिस द्वारा मनमानी तरीके से अवैध उगाही के रूप में प्रति ऑटो 20 रुपए की मांग करते हैं। नाजायज रूप से रुपए लेने का विरोध करने पर ऑटो चालकों के साथ मारपीट करते हैं, ऑटो पर बैठे सवारी को भी भगा देते हैं, सवारी भी इसका गलत फायदा उठाकर बिना भाड़ा दिए ऑटो पर सवार होकर भाग जाते हैं। वहीं ऑटो चालक ने बताया कि डर से पुलिस के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन हम लोग पुलिस के द्वारा लगातार हो रहे अवैध वसूली व मारपीट से तंग आ चुके हैं। ऑटो चालकों ने बताया कि हम लोगों को नगर पंचायत के द्वारा गौशाला के पास ऑटो पड़ाव घोषित किया गया है, फिर भी नवगछिया थाने की पुलिस नाजायज तरीके से ऑटो चालकों से अवैध रूप से वसूली करते हैं। जो ऑटो चालक पुलिस को पैसा देते हैं वह बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, जो पैसा नहीं देते उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। वहीं ऑटो चालकों ने कहा कि गौशाला के पास ऑटो पड़ा होने से सामान्य यात्रियों के अलावे बूढ़े बच्चे महिलाएं बीमार विकलांग व्यक्तियों को बाजार के साथ साथ अस्पताल स्टेशन जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों में भी आक्रोश है। ऑटो चालकों ने कहा कि अवैध वसूली में सुधार नहीं होता है तो ऑटो चालक हड़ताल करेंगे। ऑटो चालकों ने एसडीओ से उपरोक्त तथ्यों की जांच अपने स्तर करने एवं संबंधित पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीओ मुकेश कुमार ने ऑटो चालकों को कहा कि इस संबंध में थाना अध्यक्ष से बात करेंगे, ऑटो जहां पर लगता है वहीं पर लगेगा। नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि इस संबंध में किसी ऑटो चालक द्वारा मुझे शिकायत नहीं की गई है, अगर इस तरह की बातें सामने आई है तो मामले की जांच की जाएगी। क्या होता है, थाना वाला रोकता है, नहीं जाने देता है बाजार पुलिस सब ने। सर से मिले, सर से मिले क्या आश्वासन दिए सर, क्या अभी दे दे मिले हैं, अभी तो कोई जवाब नहीं, इसका कानून कार्रवाई करें। बोल बोल, आप लोग का मांग क्या है, आप लोग किस मांग की, हम सबको बाजार जाने दे, स्टैंड दीजिए, स्टैंड दीजिए, बोलो डल के स्टैंड सीधा, हम सबको पार्किंग दीजिए, गाड़ी कहाँ लगाएंगे, हो गया अभी। नवगछिया शिक्षक दिवस के दिन प्रधानाध्यापक होंगे सम्मानित। नवगछिया के महावीर सिंह मदरौनी उच्च विद्यालय चापरहाट के प्रधानाचार्य अवधेश पासवान को शिक्षक दिवस के दिन पटना में सम्मानित करने का निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग ने लिया है। इस बाबत जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ श्री पासवान को भी शिक्षा विभाग द्वारा सूचना दी गई है। जानकारी मिली है कि शिक्षक दिवस के दिन पूरे राज्य से 20 शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है, जिसमें भागलपुर जिले से अवधेश पासवान का चयन किया गया है। श्री पासवान का चयन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए किए जाने
पर इलाका के शिक्षा राम कुमार साहू, ओम प्रकाश छाया, ध्वनि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा, डॉक्टर ब्रह्मदेव मंडल सहित ने प्रसन्नता व्यक्त की है। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी सह हिंदी माध्यम। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। हॉस्टल के साथ नौगछिया का एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। व्यवस्थापक शुभंकर कुमार मिश्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9098826037। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारे आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। नवगछिया के रंगरा प्रखंड में भूमि विवाद निवारण शिविर का आयोजन। नवगछिया मंडल के रंगरा थाना परिसर में रंगरा सीओ जितेंद्र कुमार राम के नेतृत्व में भूमि विवाद निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 5 भूमि विवाद के मामले दर्ज किए गए। इनमें से दोनों पक्षों के सहमति के बाद एक मामले का निष्पादन किया गया। मौके पर रंगरा थाना अध्यक्ष आर के सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, आवे थाना क्षेत्र के दर्जनों लोग मौजूद थे। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में बाल विकास साक्षरता केंद्र का उद्घाटन। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सैदपुर गांव में शनिवार को पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद सिंह ने फीता काटकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद द्वारा संचालित बाल विकास साक्षरता अभियान केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर प्रबंधक संजय कुमार, भागलपुर जिला समन्वयक संजय कुमार, कटिहार जिला समन्वयक कुमारी अनु पांडे, कोषाध्यक्ष कुमारी नूतन भारती सहित कई अन्य उपस्थित थे। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी राज लक्ष्मी कुमारी को दी गई। क्या आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं? तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेनिंग क्यों? कांटेक्ट कीजिए और जानिए क्यों और कैसे रखें स्टॉप लॉस। वेल्थ डिस्कवरी AN झा फाइनेंस एडवाइजर, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग। आनंद @easywealth.in 9891305599। नवगछिया विवेकानंद शिला स्मारक कार्यशाला का आयोजन। नवगछिया में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी नौगछिया शाखा के द्वारा विवेकानंद शिला स्मारक कार्यक्रम का कार्यशाला का आयोजन सावित्री पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यशाला में बिहार झारखंड संपर्क प्रमुख विजय वर्मा, बिहार झारखंड संयोजक राकेश सिन्हा, प्रचारक धर्मदास, भागलपुर नगर संयोजक प्रोफेसर राजभूषण प्रसाद, विभाग संपर्क प्रमुख भोला कुमार के द्वारा कार्यशाला में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योगदानों को बताया गया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संदर्भ में राकेश सिन्हा बिहार झारखंड संयोजक ने कहा, जहां से भारत के पुनरुत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद का कार्य इस योजना के साथ शुरू हुआ, जो उन्होंने भारत के अंतिम छोर पर स्थित उस चट्टान पर बैठकर बनाई थी। मौके पर कार्यशाला में सत्य प्रकाश झा, अजय कुशवाहा, मिथिलेश मिश्रा, पंडित दयानंद ठाकुर नंदू जी, मनोज कुमार सुंदर पंडित, प्रोफेसर सिया, संजय झा, ओम कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। बिहार बॉल बैडमिंटन टीम का चयन बेगूसराय में आज। 27 से 29 सितंबर तक दरभंगा में आयोजित होने वाली 13वीं पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्य महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार पुरुष व महिला टीम बॉल बैडमिंटन टीम के चयन के लिए एक दिवसीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को राजकीयकृत मध्य विद्यालय बीहट बेगूसराय में है। इस चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के महिला व पुरुष भाग ले रहे हैं। यह जानकारी नौगछिया बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष स जिला परिषद राजीव रंजन उर्फ घंटू सिंह व राज्य प्रवक्ता स जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने दिया। वहीं बताया कि पुरुष वर्ग में राहुल कुमार, राकेश कुमार, अमन कुमार, अविनाश कुमार, अंकित कुमार शर्मा, मुकुल कुमार, रवि कुमार एवं महिला वर्ग में अंजलि कुमारी, श्रेया सिंह, सनाया सिंह, तानिया सिंह, अनामिका कुमारी, आर्या भारती, हर्षिता कुमारी हैं। वहीं टीम के प्रभारी खेल शिक्षक विकास पांडे को बनाया गया है। चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को संघ के मुख्य संरक्षक स पूर्व विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, कोषाध्यक्ष रितेश दुबे, उपाध्यक्ष मोहम्मद समी मुर्मुन्ना, राजीव चौधरी उर्फ नूनू, भागलपुर जिला उडवाल संघ के सचिव बबलू कुमार मोदी सहित कई अन्य ने शुभकामनाएं दी है। नारायणपुर से मुख्यमंत्री दर्शन योजना में छात्र नालंदा रवाना। नारायणपुर प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय बलहा से शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत बलहा, नारायणपुर, भागलपुर के छात्र एवं छात्राएं नालंदा एवं राजगीर के महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन को रवाना हुए, जिसमें
वरीय वीआरपी मिथिलेश कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मौके पर शिक्षक सह समाजसेवी रमेश कुमार, अंजू देवी, अभिमन्यु गोस्वामी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद थे। नवगछिया, शराब के नशे की हालत में दो गिरफ्तार। नवगछिया के परबत्ता पुलिस ने शनिवार की देर शाम शराब पीकर हंगामा कर रहे दो युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवक सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा निवासी विनोद मंडल एवं राकेश शर्मा है। परबत्ता के प्रभारी थाना अध्यक्ष राघव सिंह ने बताया कि दोनों युवक थाना क्षेत्र के जगतपुर इमली गाज के पास शराब पीकर हंगामा कर रहा था। इसी दौरान गश्ती पर गई पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में दोनों की गिरफ्तारी के बाद देर रात दोनों का मेडिकल जांच नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी सह हिंदी माध्यम। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक राजेंद्र कॉलोनी नवगछिया। हॉस्टल के साथ नवगछिया का एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। व्यवस्थापक शुभंकर कुमार मिश्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9098826037। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारे आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान राजेंद्र कॉलोनी नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। सब्सक्राइब करें गोसाईगंज समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।